हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा खासा घर का काम किया, बच्चों को स्कूल भेजा, नहा के पूजा वूजा सब कर ली थी, ब्रेकफास्ट करने जा रही थी, तभी स्कूल से कॉल आया मैम का कि सार्थक की तबीयत ख़राब हो गई है। सार्थक का कॉल आया था कि मम्मा मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा। तो फिर मैंने मैम से बात की, तो मैम से बात करने के बाद पता चला कि असेंबली में प्रेयर के टाइम पे बेहोश हो गया था, मतलब गिर गया था शायद, तो चक्कर आने की वजह से। समझ नहीं आ रहा कि कैसे, या तो गर्मी, बट आज मौसम तो भी फिर भी ठीक है। और रही खाने की बात, तो खाने में डेली बच्चों को एक गिलास दूध और एक पराठा सब्जी खिला के भेजती हूँ, प्लस लंच देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। क्या हुआ था मानवी भैया को? बताया था कि मैं ग्राउंड में गिर गया, तो फिर मैं चेयर पे क्या हो गया था? फिर मैं चेयर पे गिर गया था। स्कूल में क्या हुआ था बताओ सर? कुछ चक्कर आए थे? अच्छा, फिर बेहोश हो गया था, मतलब गिर गया था सिर्फ? अच्छा, अभी ठीक है? अब घर पे रेस्ट करना आराम से, और ये इधर से धूप आएगी ज़्यादा तब गेट लगा लेना, ठीक है? गर्मी भी तो बहुत हो रही है। हाँ बेटा, मम्मा ये ना कुर्सी पे भी गिरा। अच्छा, कोई नहीं, अब रेस्ट करना, ठीक है? खाना पीना सब खा लेना, दवाई मैंने दे दी है, अब आराम से रेस्ट करना। फ्रूट भी रखे हैं, ठीक है, खा लेना। ये भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब सडनली सब कुछ हो जाए, और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि यार शॉप पे काम है। अब बच्चों की तरफ से भी परेशानी हो जाती है, पर कोई नहीं, थोड़े टाइम की बात है, फिर ये बड़े हो जाएंगे, थोड़ा समझदार हो जाएंगे, खुद से कुछ करना सीख लेंगे। अभी थोड़ी सी है प्रॉब्लम, आप लोग सपोर्ट करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? आप लोग सपोर्ट करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मैं निकलती हूँ शॉप। ये पार्सल मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से, अब इसमें क्या है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। वैसे इसमें मेरे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अकेले रील्स बनाने में, ब्लॉग बनाने में, तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने ये मंगाया है। इसमें क्या निकलता है, कैसा निकलता है, वो तो इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। फ्लिपकार्ट से वैसे मैं कम शॉपिंग करती हूँ। भाई क्या आइटम है ये? लग ही नहीं रहा, ये मुझे उसमें देखना पड़ेगा। रुकना, साथ तक सेट कैसे करना? दीदी तो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। इसकी लाइट क्यों नहीं चल रही? इसमें भी है क्या कुछ ऑन ऑफ? अरे बट इसके बटन में है, स्विच में। मम्मा जी अबे स्विच तो ये रहा। तैयार कर दिया हमने फाइनली, मतलब मैंने नहीं किया, इसने किया है। मैंने करा है। इन दोनों ने मिलके करा है। फाइनल तैयार हो गया है। कुछ नहीं करा था। अच्छा मैंने मारनी कत्ता तोड़ने का काम कर दिया। अच्छा मैंने लाइट लगाने का काम। सार्थक अब तो ठीक है, अब तो सुबह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। मैंने बच्चों से सिर्फ फोन पे ही पूछा था, क्योंकि मेरे पास, मेरे को टाइम नहीं मिला शॉप पे इस इनके पास आने का। पहले मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं आऊँगी इनके पास और दोपहर में एक दो घंटे रुक के चली जाऊँगी, लेकिन नहीं मिल पाया टाइम, क्योंकि अकेली थी, लड़की आई नहीं थी। बट अभी सार्थक की तबीयत ठीक है, वो थोड़ा गर्मी की वजह से उसकी तबीयत, मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि उसको चक्कर आ गए थे असेंबली में। खाना पीना सब चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ, और मॉर्निंग में मैं हमेशा फ्रेश खाना देती हूँ, कोई बासी खाना नहीं देती कि रात के आटे का मैं पराठा बना के दे रही हूँ, या बासी सब्जी है तो उसको गर्म करके दे रही हूँ, नहीं। मैं आटा भी सुबह ही गूंथती हूँ, सुबह ही पराठे बनाती हूँ, सुबह ही सब्जी बनाती हूँ, तो हर चीज़ फ्रेश देती हूँ। वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, बट अभी फ़िलहाल सार्थक बिल्कुल ओके है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे लगवानी है मेहंदी। मेहंदी क्यों लगवानी है? कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, सिर्फ मुझे शौक़ है मेहंदी का, और ये लड़की मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है? तो बने रहना आगे वीडियो में।
मेहंदी देखो कितनी सुंदर लगाई है, और यही एक रीज़न है मेरा मेहंदी लगवाने का। कोई ओकेशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ ये मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के इससे मेहंदी लगवाई है। वैसे भी मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो अगर किसी के पास मेहंदी की बुकिंग देनी हो कोई तो दे सकती हो, नो इशू। ये मेरे साथ ही मेहंदी का काम करती है, मतलब मेहंदी के लिए मैंने इसको ही रखा हुआ है, तो इससे मैंने काफ़ी टाइम से लगवाई नहीं थी, तो सोचा कि आज कल संडे है तो आज लगा लेती हूँ। और आज के व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड, क्योंकि अब नींद भी आ रही है, 11:30 का टाइम हो गया, व्लॉग भी एडिट करना है। बस ये है कि मैंने स्टैंड मंगा लिया ये वाला, इससे मेरी रील और व्लॉग सब इजीली बन जाया करेंगे, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो गाइज, अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो चैनल पे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।